प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन बिंदु है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। यदि साहित्यिक स्रोतों की हम बात करें तो सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाएं जो हमें उपलब्ध हैं उनको हम पांच भागों में विभक्त कर सकते हैं। उनमें पहला भाग है सामान्य ऐतिहासिक रचनाएं। सामान्य ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे प्रमुख जो रचना है वो मिन्हाज उस सिराज की तबकाते नासिरी है। तबकाते नासिरी में इस्लाम के उदय से पूर्व विभिन्न पैगंबरों की जीवनी और इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर इल्तुतमिस द्वारा संगठित शमसी सामंतों के दल का इतिहास है। यह रचना 23 अध्यायों में विभक्त है जिन्हें तबकात कहा जाता है। इसमें पहली बार दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास देखा जा सकता है। मिन्हाज की पुस्तक की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें तिथि क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यह रचना सल्तनत कालीन ऐतिहासिक रचनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्तुतः भारत पर तुर्की आक्रमणों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इल्तुतमिस के शासनकाल के इतिहास के लिए मिन्हाज की पुस्तक एक विश्वसनीय स्रोत है। यदि साहित्यिक स्रोतों का दूसरा जो साहित्यिक स्रोतों की जो दूसरी श्रेणी है वह है भारतीय इतिहास से विशेष रूप से संबद्ध ग्रंथ। इन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फिरोजशाही। तारीख़ फिरोजशाही 1357-58 ईस्वी में पूरी की गई थी। बरनी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद से आरंभ किया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों तक इसका विस्तार किया। बरनी ने अपने इतिहास की रचना मुख्यतः अमीर और कुलीन वर्गों के लिए की है। बरनी की रचना को आमतौर पर विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इसमें उल्लिखित घटनाओं के वे प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन उनकी रचना में पूर्वाग्रह बहुत अधिक प्रबल हैं। न सिर्फ उनकी राजनीतिक दृष्टि बल्कि उनके व्यक्तिगत राजद्वेष भी इन पूर्वाग्रहों से नियंत्रित हैं। एक तरफ जहां वे बलबन की नीतियों और अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते हैं, वहीं उन्होंने मोहम्मद तुगलक की कटु आलोचना की है और सुल्तान का अत्यंत ही विकृत चित्र प्रस्तुत किया है। बरनी की तारीख फिरोजशाही सल्तनत काल की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है जो खिलजी और तुगलक कालों के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की जानकारी देती है। साहित्यिक स्रोतों की तीसरी श्रेणी में आते हैं नैतिक उपदेश निहित ऐतिहासिक रचनाएं। ऐसी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है बरनी की फतवाए जहांदारी। बरनी ने इस पुस्तक में अपने राजनीतिक आदर्शों को रखने का प्रयास किया है। बरनी राजसत्ता को गैर इस्लामिक संस्था मानते थे, इसलिए वे सुल्तान को सदैव इस्लाम का संरक्षण करने, शरीयत को लागू करने, गैर मुसलमानों को दंडित करने एवं अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देते हैं। इस श्रेणी का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शमसे सिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही। अफीफ ने फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल की स्थिति का वर्णन 90 अध्यायों में किया है। अफीफ फिरोज शाह के शासनकाल को शांति एवं संपन्नता के युग के रूप में दर्शाते हैं। वे फिरोज शाह के शासन के सिर्फ सकारात्मक पक्षों को ही उजागर करते हैं। अगली श्रेणी में आती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियों में देखें तो बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति माना जाता है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकलापों का वर्णन है। और अंतिम जो साहित्यिक दृष्टि से साहित्यिक स्रोतों में जो रचनाएं आती हैं
वे रचनाएं हैं ऐतिहासिक महत्व की साहित्यिक रचनाएं। ऐसी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण हैं अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो एक इतिहासकार से अधिक साहित्यकार के रूप में विख्यात थे, परंतु वे राजदरबार में लंबे समय तक रहे, इसलिए उनकी रचनाओं में ऐतिहासिकता की झलक भी मिलती है। वे क्रमशः कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के समय राज दरबार से संबद्ध रहे। उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फतू, खजाइन उल फतू, आशिका, नुह सिपीहर, तुगलकनामा प्रमुख हैं। खुसरो की रचनाओं में बरनी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय तिथिक्रम मिलता है। इसके साथ ही तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जितना अच्छा चित्रण अमीर खुसरो की रचनाओं में हुआ है, उतना अन्य रचनाओं में